Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. और एक बार हाथ करो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। जो लोग आप पीछे जो सबके सब चौकी ऊपर बैठे हो, जो नीचे बैठ ही सकते हैं अच्छी बात है, क्योंकि जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार है, जो चौकी के ऊपर बैठता है वो चौकीदार है। ताली बजाओ तो जमीन पर बैठता है। अगर आप लोग नीचे बैठ सकते हो बहुत अच्छी बात है, नीचे बैठ करके कथा सुननी चाहिए। हाँ देखो ध्यान देकर सुना, जो कथा है ध्यान देकर सुना, ये जो कथा है ना इसको कल्प वृक्ष बताया। क्या बताया? जोर से बोला, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब क्या है? अगर कोई नियम से 7 दिन तक कथा सुने, ये पद्म पुराण कहता है जो दुखी है उसे सुख मिलता है, जो निर्धन है उसको धन की प्राप्ति होती है, जो रोगी है उसको निरोगता की प्राप्ति होती है, जिसको संतान नहीं उसको संतान की प्राप्ति होती है। अगर कोई 7 दिन तक ये कथा को नियम करके सुनता है, बोले भैया नियम क्या कथा सुनने की, आप भी सुन लो। बोले कथा की पहला नियम है, जैसे सुखदेव गोस्वामी वो बिना खाए पिए 7 दिन तक कथा सुनते, 7 दिन तक कोई आहार नहीं। पहला नियम है बिना खाए पिए 7 दिन तक कथा सुना। बोले भैया भूखे ना भजन हो ही गोपाला, ले ले मेरी कंठी माला, हम तो भूख से हम कथा नहीं सुन सकते हैं। बोले फिर दूसरा नियम बताए कि बच्ची बैठ जा, इसलिए दूसरे नियम बताए 7 दिन तक घी पी पी कर कथा सुननी चाहिए। बोले भैया घी पिएगा तो पेट बदला हो जाएगा, बैठ नहीं सकते। बोले किसने किस कैसे नहीं सुन सकते? बोले नहीं तो फलाहार करके 7 दिन तक कथा सुन, फलाहार करके। बोले हाँ ये तो बढ़िया है। बोले अगर इसमें किसको दिक्कत हो तो एक बार फलाहार करो और एक बार बढ़िया से भोजन कर लो। इसको सबसे बढ़िया बेस्ट बताया, एक बार बढ़िया से भोजन करो, एक बार फलाहार करो। अगर इसी नियम से कोई कथा सुने, ब्रह्मचर्य धारण करते हुए साधारण बिछड़ा में सोना, 7 दिन तक झूठ नहीं बोलना, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अगर नियम से कोई 7 दिन तक कथा सुनेगा, आप देखना भागवत रूपि कल्प वृक्ष से आप जो मांगोगे 7 दिन में भागवत आपकी सारी इच्छाओं को ये भागवत आपकी पूरी कर देगी। इतने महिमा ये भागवत की, ठीक है ना? और कथा कैसे सुननी चाहिए, ऐसे नहीं कथा भी पहले आ जा नियम से। कितने बजे कथा करेंगे, कितना बजे कथा होगी भैया लोग बोलो तो? 4 से 8 बजे तक, लेकिन 4 से कोई आ ही नहीं भैया, इसलिए कोशिश करना कम से कम 5 बजने से पहले आ जाओ, क्योंकि गर्मी रहना है, अभी गर्मी का समय है, 5 बजे तक आ जाओ, ठीक है? जैसे कथा हनुमान जी से सुनो, कैसे सुननी चाहिए? हनुमान जी कैसे कथा सुनते हैं? बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, अगर करोड़ों जगह पर अगर प्रभु राम की कथा होगी, हनुमान जी सबसे पहले पहुंचते हैं, ऐसे जाकर नहीं बैठ जाते हैं। जो कथा स्थल को प्रणाम करेंगे, कथा सुनने वालों को प्रणाम करेंगे, कथा की वक्ता को प्रणाम करेंगे, आंखों से आंसू बहाते हुए हाथ जोड़ करके हनुमान जी गदगद होकर कथा सुनते हैं। जब सबके सब चले जाते हैं, पर हनुमान जी सबको प्रणाम करते हुए स्थान को प्रणाम करते हुए फिर हनुमान जी कथा से जाते हैं। इसलिए केवल 7 दिन, ज्यादा दिन नहीं है, अभी तो 3 साल बाद में कथा हो रही है ना, 3 साल बाद में ना, फिर कोरोना आ करके फिर सुनाई पड़ रहा है, कोरोना आ रही है,
इसलिए पता नहीं और कब चर्चा होगी नहीं होगी, इसलिए आप लोग सबके सब नियम से आप लोग कथा सुनना ठीक है। अभी प्रभु की आपको गो करना रुद्र गाय की आपको कथा सुनाएंगे, इसको बाद में कथा को विश्राम कर अज्ञान विराजस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पाञ्चाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द इसकी महिमा का निरूपण किया गया है। पद्म पुराण के अंतर्गत जो महात्म में वर्णन है तो उसमें सर्वप्रथम तो ज्ञान और वैराग्य के साथ में श्री भक्ति देवी का नारद जी के साथ में जो उपाख्यान है उसका वर्णन आता है, और उसी में जब भागवत कथा के श्रवण करके ज्ञान वैराग्य दोनों नवयौवन को प्राप्त करते हैं, तब श्री नारद जी प्रश्न करते हैं कि इस भागवत को सुन के भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को पोषण मिला है, तीनों हृष्ट पुष्ट हुए हैं, किंतु क्या इसका श्रवण करके किसी पापी का भी उद्धार हुआ है? अभी हम सुन रहे थे धुंधुकारी जैसे पापी व्यक्तियों का उस समय पर उन्होंने उपाख्यान सुनाया है। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव बड़े सदाचार संपन्न थे, बड़े ही शास्त्रों में निष्णात और समस्त वेदों के ज्ञाता, उनको विद्या भास्करों में उनको विद्वानों में द्वितीय भास्कर के नाम से जाना जाता था, इतने बड़े विद्वान। लेकिन घर में जो स्त्री थी, स्त्री का नाम था धुंधली और यथा नाम तथा गुण, नाम भी धुंधली और उनका काम भी धुंधली ही जैसे। धुंधली मतलब क्या है, बोले धुम धुम करो दी धुंधली, जो सब समय कलह करे जो सब समय झगड़ा करे उसका नाम था धुंधली। घर में देखो कभी कभी पति तो बड़ा सदाचार संपन्न होता है, आत्मदेव की तरह होता है, लेकिन पत्नी होती है धुंधली। कभी कहीं पर देखा जाता है कि पत्नी बड़ी आत्मदेव की तरह है, बड़ी सदाचार संपन्न है, शास्त्रों में रुचि रखती है, लेकिन पति होता है धुंधली, भक्ति के पूर्ण रूप में विरुद्ध। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि यदि पति और पत्नी दोनों ही आत्मदेव का स्वरूप धारण करके चले तब जाकर भैया दोनों भैया पर गाड़ी ठीक रूप में चलेगी। तो पति और पत्नी दोनों को ही आत्मदेव की तरह आचरण संपन्न होकर और जीवन यापन करना चाहिए। आत्मदेव के घर में भी सब कुछ था, लेकिन पूर्व जन्मों के पापों के कारण घर में कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं होने के कारण बड़े दुखी रहते थे। अरे पितरों को जब भी पिंडदान करते थे पितृ ग्रहण नहीं करते थे, घर में कोई वृक्षारोपण करते थे उस वृक्ष के भी फल नहीं होता था, घर में अगर गैया ले आए वो गैया घर भी बांझ रह जाती थी, इतने पापी। अभी क्या हुआ था, आत्मदेव इतने दुखी होकर एक दिन जंगल में आत्महत्या करने के लिए चले गए, और जब जंगल में जाते हुए रो रहे थे तभी उस समय से एक साधु उधर से निकला। साधु ने इनके पास आकर पूछा, बोले कथम रोदसी नित्रकम काते चिंता बले ऐसी। अरे ब्राह्मण देवता तुम यहाँ जंगल में क्यों क्रंदन कर रहे हो, क्या तुम्हारी चिंता का कारण है, हमें बताओ। आत्मदेव कहने लगे कि हे साधु बाबा, पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म के फल स्वरूप हमारे धन घर में खूब धन ऐश्वर्य सब चीज है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है।
और संतान नहीं होने के कारण हम बड़े दुखी हैं, आप इसका कुछ निवारण कीजिए। साधु विचार करने लगे कि भैया मैं सोच रहा था जंगल में कोई कांके बिहारी जी का स्मरण करके और रो रहा होगा, मैंने तो सोचा था ये भी कोई ब्रज गोपी के समान इतना महान होगा। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण को स्मरण करके कोई क्रंदन कर रहा होगा, लेकिन इनके ऊपर तो भूत का भूत चढ़ा हुआ है, बेटे के लिए रो रहे हैं। तो साधु उनको समझाने लगे कि देखो पुत्र प्राप्ति से तुम्हें शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, ये एकदम गलत धारणा है। सागर महाराज के तो 60,000 पुत्र थे, सबके सब कपिल मुनि के श्राप से जल में भस्म हो गए, क्या उनको शांति प्रदान हुई? चित्रकेतु महाराज उनके भी तो पहले कोई संतान नहीं थी, बाद में जब संतान हुई वही संतान को रानियों ने विषदे कर मार दिया और वही अगार विराट दुख का कारण बना। इसीलिए संतान तुम्हें सुखी कर देगी ये गलत धारणा है। अभी तो केवल एक ही दुख है कि भैया संतान नहीं संतान नहीं। अगर संतान होने के बाद में आज्ञा का पालन ना करे नारायण हो जाए तो वो और जीवन भर का दुख हो जाता है। इसीलिए क्या करो संन्यासे सर्वथा सुखम, भगवान का भजन करो, संन्यास लेकर हमारे साथ में चलो। अरे संन्यासों के जीवन में कितना आनंद है, एक बार इसका आस्वादन करके तो देखो। आत्मदेव कहने लगे कि देखो बाबा ये पांडित्य हमारे पास में भी है, हम भी ब्राह्मण हैं, लोगों को हम उपदेश देते हैं, आप हमें उपदेश मत दो, पुत्र हो सके ऐसा कुछ वरदान दो, आशीर्वाद दो। तब उस समय पर साधु बाबा ने उनको समझाने की कोशिश करी, देखो विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासना, अरे संसार वासना को परित्याग करके और हमारे सामने भजन करो, क्योंकि तुम्हारे कपाल देखकर तुम्हारी ललाट देखकर हम पहचान गए हैं कि इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होगा। जैसे ही आत्मदेव ने ये बात सुनी उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई, बोले क्या बोल रहे हैं आपने, मेरे दुख को दूर करना तो दूर की बात है, आपने मेरे दुख तो और 7 गुना बढ़ा दिया, अरे इस जन्म में नहीं होगी अगले 7 जन्मों तक भी नहीं। बोले हाँ यही सत्य है। तब तो आत्मदेव ने वहीं पर छाती माथा पीट पीट कर जो रोना चालू किया है, अपना सर भटक रहे हैं ब्राह्मण के साधु बाबा के चरणों में, कहते हैं मैं तो अब यहीं पे मर जाऊंगा, यहीं पे प्राण त्याग करूंगा और इसका पाप भी आपको लगेगा। साधु ने समझाया लेकिन जब नहीं समझे तो एक वृक्ष से फल लिया, फल को अभिमंत्रित करके और आत्मदेव को दे दिया, कहा इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इसके खाने से क्या होगा, बोले तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी तो तुम्हें घर में संतान मिलेगी। आत्मदेव तो वहीं पर नाचने लगे, नाचते कूदते बाबा से पूछ रहे हैं कुछ करना है, बोले हाँ ब्रह्मचर्य का पालन करना और शांति सुख से रहना, घर में जो भी साधु आए उनका सम्मान करना, इस तरह से कुछ नियम बता दिए। और आत्मदेव तो नाचते नाचते अभी घर पे आए हैं, बोले भाग्यवान सुनती हो दूसरी भी माँ से भगी भगी आई है, लगता है कोई भारी दक्षिणा मिली होगी तभी इसलिए प्रसन्न है इतने ज्यादा। जैसे ही स्वामी के सामने खड़ा देखा हाथ में एक फल है, कहने लगे कि क्यों इतना चिल्ला रहे थे, मैं तो सोची थी किसी यजमान से भारी भिक्षा दक्षिणा लेकर आए हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ एक फल है। बोले बगली ये साधारण फल नहीं, इसको खाने से संतान होगी। फल खाने से संतान होगी? बोले हाँ किसी साधु ने आशीर्वाद दिया है ये फल खाने से संतान होगी। धुंधली ने पति के हाथ से वो फल ले लिया, लेकिन शाम में उसकी जब सहेली आई है तो उसके साथ तरह तरह की कुतर्क करने लगी, बोले बहन मैंने सुना है जो स्त्री गर्भवती होती है उसका पेट बाहर की ओर निकल आता है और ठीक से खा भी नहीं सकती, जो भी खाती है उसका पोषण सब संतान ले लेती है, ठीक से चल भी नहीं सकती, अरे गांव में अगर चोरों ने डाका डाल दिया तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, गांव में अगर आग लग गई तो मेरी रक्षा कौन करेगा, इसीलिए मेरे फल मेरे पति न जाने कहां से फल लेकर आए हैं, कहते हैं इनको खाने से संतान होगी, मैं गर्भवती होंगी, लेकिन मेरा कदापि ये खाने का मन नहीं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम् नैव भक्षितम्, उसका नाम ही है धुंधली। कुतर्क करते करते उसने क्या किया, उस फल को नहीं खाया, साधु के आशीर्वाद रूपी उस फल को नकार दिया। हमारे टीकाकार जो यहाँ पर संत लोग कहते हैं कि भैया ये तुंगभद्रा नदी के किनारे निवास करने वाला आत्मदेव और धुंधली आखिर है कौन, कहते हैं ये सब लोग हम ही हैं, क्योंकि आत्म
महादेव रहते कहां थे? कहते हैं तुंग भद्रा के किनारे। तुंग भद्रा का क्या अर्थ हुआ? तुंग अर्थात सर्वश्रेष्ठ, तुंग अर्थात सर्वश्रेष्ठ, और भद्रा मतलब कल्याण का कारण, कल्याण का साधन। कहते हैं तुंग भद्रा अर्थात ये हमारा शरीर, और जो इस शरीर को दिव्यता में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है वही आत्मदेव। जो अपनी आत्मा को दिव्यता अर्थात ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करने की चेष्टा करता है वो है आत्मदेव। लेकिन हमारी भी एक पत्नी है, पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? धुंधली। हमारी जो धुंधली है ना, हमारी पत्नी, वो है हमारी गुजर की बुद्धि। सत्संग में हम लोग आते हैं, बड़े ध्यान से जब कथा होती है बड़े ध्यान से गर्दन हिलाकर सुनते भी हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से घर पहुंचते हैं हमारी एक उत्तर की बुद्धि सब सत्संग रूपी फल जो सत्संग में ज्ञान लिया था उसको नकार देती है। जैसे धुंधली ने साधु द्वारा प्रदान किया हो वो फल नकार दिया, ऐसे ही हमारी बुद्धि भी साधुओं के वचन पर अविश्वास करने लगती है। साधु जो हमारे कल्याण के लिए हमें उपदेश देते हैं उसे ग्रहण करना नहीं चाहती। साधु ने यदि कहा कि भैया हरि नाम किया करो, मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, बोले कौन पूरे दिन भर हरे कृष्णा करता रहे। साधु ने कहा कि भैया प्याज लहसुन छोड़ के ठाकुर को भोग लगाया करो, उससे ही मंगल होगा, बोले ठाकुर को भोग लगाने के लिए हम प्याज लहसुन छोड़ दें? अरे टेस्ट कहां से आएगा? ठाकुर गए नहीं बेचने, हम तो हमारे लिए बनाकर खाएंगे। ये बुद्धि इतनी कुदरती है कि साधु द्वारा प्रदत्त समस्त उपदेश को नकार देती है। आज धुंधली ने भी क्या किया है, वो फल को खिला दिया भैया को, खुद नहीं खाया गाय को खिला दिया, और उसकी बहन जो गर्भवती थी उसके साथ में डील कर ली। क्या डील करी? बोले तेरे घर में कोई खाने वाला, तेरे घर में कुछ खाने को नहीं है और मेरे घर में कोई खाने वाला नहीं है, तो अपनी संतान मुझे दे देना और मेरे पति इसके विनिमय में तुझे कुछ पैसे दे देना। इस तरह से अपनी बहन के बेटे को अपनी संतान बनाकर और अपने घर में ले आई। आत्मदेव को जैसे ही पता चला कि घर में संतान हुई है, आत्मदेव तो नाचने लगे, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, बड़े भैया मेरे बधाई हो मेरे संतान हुई है, और आत्मदेव पूरे गांव में मिठाई बंटवा रहे हैं। ठीक 3 महीने बाद में जो साधु द्वारा प्रदान किया हुआ फल था, वो फल जिस गैया को खिलाया था उस गैया के भी मनुष्य शिशु ने जन्म लिया। गांव वाले देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे, भैया ठाकुर देते नहीं तो देते नहीं, और देते हैं तो छप्पर फाड़ के। कहां आत्मदेव के घर में एक भी संतान नहीं थी और अब हुई तो दो। गाय के गर्भ से भी मनुष्य शिशु का जन्म हुआ है, इतने आश्चर्य की बात है। गाय ने जिस शिशु को जन्म दिया था साधु के द्वारा आशीर्वाद मिला होता ना, तो इसीलिए देखने में बड़ा सुंदर, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मला कनकम प्रभम, एकदम सोने जैसी तपी हुई अंग कांति, बड़ा सुंदर सुगठित कलेवर, केवल मात्र उसके कान गैया जैसे बड़े बड़े थे। धुंधली कहने लगी कि मेरे बेटे का जन्म, मेरे बेटे का नामकरण तो मैं ही करूंगी, मेरा नाम धुंधली, बेटे का नाम धुंधुकारी, और जिस संतान का जन्म गैया से हुआ उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अभी धीरे धीरे दोनों बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए, दोनों ने ही ख्याति, दोनों की ही बड़ी बड़ी ख्याति हुई, एक तो हो गया विख्यात और एक हो गया कुख्यात, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी ठीक अपनी माँ के गुणों में गुणवान हुआ, माँ के समान ही लड़ाई झगड़ा उसको बड़ा प्रिय था, कुएं के पास में अगर कुछ बच्चे खेल रहे होते उनको कुएं में धक्का मार देता, घर के बर्तन बेच बेच कर आ जाता, माता पिता से सब समय लड़ता रहता, किसी के घर में आग लगाकर आ जाता, इतना दुष्ट इतना खल हुआ, शाम होते होते तो 10-12 शिकायत घर में सुनने को मिलती थी। लेकिन गोकर्ण जो कि साधु के आशीर्वाद से जन्म लिए थे, इसलिए बड़े ही पंडित, बड़े ही संस्कारी, माता पिता की आज्ञा पालन करते, बड़ी सेवा भावना थी। अभी पिताजी तो आत्मदेव वो धुंधुकारी से इतने दुखी हो गए थे, अभी घर छोड़कर और वन की ओर जा रहे हैं। रोते रोते जब वन की ओर जाने लगे, ये जो गोकर्ण जी थे उन्होंने पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, आप भी बड़े ध्यान से सुनिए। न च इन्द्रस्य सुखं किञ्चित् न सुखं चक्रवर्तिना सुखं अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीवना। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी आप सोच रहे हो इस संसार में कुछ
प्राप्ति से, धन प्राप्ति से सुखी हो जाओगे, ये आपकी गलत धारणा है। अरे नरचर इंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न, इस पृथ्वी पर बड़े से बड़े राजा भी वो भी सुखी नहीं है। उनकी बात छोड़ दो, इंद्र भी सुखी नहीं, क्योंकि साधारण लोगों की क्या भावना होती है, देखो गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे शिव सुख शंकर को भारी, तुलसीदास कहे तो विचारी, बिना हरि भजन सब जीव दुख हारी, सब जीव दुख हारी। पर श्री रामचंद्र भगवान की, इसीलिए यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक किसी ने भगवान का भजन नहीं किया, जब तक ठाकुर का भजन नहीं करते, तब तक सुखी नहीं हो सकते, चाहे पैसा पुत्र स्त्री जो कुछ भी क्यों ना मिल जाए। गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं, देहस्त्रीमान सुरुदिराभिमती जजत्वं जाया सुता विशुसना ममता विमुंच। अपने पिताजी को समझाते हुए कहने लगे कि इस शरीर में जो आसक्ति है आपकी, ये मैं और मेरा, इसको छोड़ दो। कहां आप सोच रहे हैं मैं ये शरीर हूं, कहां आप सोच रहे हैं ये मेरा पुत्र है, पुत्र से आशा करते हैं, पत्नी से आशा करते हैं, कभी जाकर दुख मिल रहा है, क्या करो? बोले जाया सुतादिशु सदा ममता विमुंच। आपकी जो ममता है परिवार में और अपने शरीर में, उसको परित्याग करके क्या करो? बोले दशम स्कंद का पाठ करो, साधुओं की सेवा करो। साधुओं की सेवा करते करते, उनके मुख से हरि कथा श्रवण करने से क्या होगा? आपको भगवान की परम पद की प्राप्ति होगी। जब इतने सुंदर सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को दिए हैं, आत्मदेव वहीं से वन की ओर चले गए। इधर धुंधुकारी ने और भी ज्यादा उत्पात करना चालू कर दिया, अपनी माँ को इतना परेशान किया कि धुंधली में तो कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। घर में छह छह वेश्या को ले आया और वेश्या की डिमांड पूरा करने के लिए न जाने क्या क्या करता, सब पाप कर्म करके। और एक दिन तो राजा के दरबार में, राजा के कोषाग्रह में डाका डाल के आ गया। सारी वेश्याएं सोच रही है कि भैया सुबह उठे जैसे ही सैनिक खोजते खोजते आएंगे, इसके चक्कर में हम भी मरेंगी, इसके चक्कर में हम भी फंसेंगी। इसलिए क्या किया, रातों रात जब वो सो रहा था, चारों ने चारों हाथ पैर को पकड़ा, एक वेश्या ने उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसको बड़ी बुरी तरीके से मारने की कोशिश करी। जब उसके प्राण नहीं जा रहे थे तो जलते हुए अंगारे लेकर आई और उसके मुंह में ठूस ठूस कर उसको वहीं पर मार दिया। उसकी मृत्यु होने पर घर में गड्ढा खोल के उसको गाड़ दिया और वहीं से सारा धन लेकर फरार। श्री सुत गोस्वामी कहते हैं कि भैया वेश्या किंचित भी विश्वसनीय नहीं है, केवल मात्र धर्मपत्नी और उससे भी ज्यादा श्री साधु ही सर्वश्रेष्ठ विश्वसनीय है। अभी जब उसकी इतनी दुर्गति से मृत्यु हुई है, प्रीति उन्हीं को प्राप्त हुआ, पिंडदान से भी जिसकी मुक्ति नहीं हुई, गोकर्ण जी जब घर में आए हैं तरह तरह के रूप लेकर उनको डराने लगा, कभी भेड़ का, कभी भैंसे का, कभी हाथी का, जब तरह तरह की आवाजें निकाल रहा था, उसी समय पर गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित जल लेकर और जैसे उसके ऊपर छिड़काव किया, उसी समय बोलने लग गया, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मिन् कर्म नहीं किए, लेकिन आप जैसा भाई मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इस प्रेम की योनि में हूं, आप मेरे उद्धार का कुछ तो उपाय कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा कि अभी तो तुम जाओ, कल हम सूर्यदेव से विचार करके बाद में तुम्हें बताएंगे। जब विद्वत गोष्ठी बैठी है, सभी ने परामर्श निकाला कि ये भागवत कथा श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु, सप्ताह परायण श्रीमद भागवत कथा को आयोजन करो, इसके श्रवण करने मात्र से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है। अरे भागवत संपूर्ण कथा की तो बात ही छोड़ दो, अगर कोई एक श्लोक भी श्रवण करे, एक श्लोक नहीं आधा श्लोक भी श्रवण करे, साक्षात कृष्ण उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। इतनी महिमा ये भागवत ग्रंथ की। वर्ष भागवत कथा अमृतम की, जब भागवत कथा का आयोजन तय हुआ है, धुंधुकारी ने एक सात वृत्ति युक्त बांस में आश्रय लिया और वहां पर गोकर्ण जी मुक्त कंठ से भागवत कथा की महिमा गान कर रहे हैं, सदा से व्याम सदा से व्याम श्रीमद भागवती वार्ता यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम
शास्त्र कहते हैं कथा कैसे सुननी चाहिए।
मक्खी कहाँ बैठती है?
धरती के जीवन। मधुमक्खी कहाँ बैठता है? फूलों के ऊपर भी। अगर कांटा वृक्ष में फूल क्यों नहीं होते कि ना, मधुमक्खी वहां भी बैठे करके साहित्य साहित्य को लेकर के बड़ी सुंदर छत्ता बना देगा जिसमें ठाकुर को सेवा होता है। इसलिए हमें असार चीज में नहीं, हमें जीवन में सार से सार चीज को उतारनी चाहिए मधुमक्खी जैसे। इसलिए बोले श्रोता श्रोता और श्रोता, ये भी तीन तरह का। श्रोता मतलब क्या, जब कथा में बैठे देख देख करके बैठते हैं, कहां बैठने पर बढ़िया नींद आएगी, सो सकते हो, इसलिए इसको कहते हैं श्रोता। और एक होता है श्रोता, श्रोता मतलब है जिनकी कथा से कोई भी मतलब नहीं, वो केवल दोस्त देखने के लिए आते हैं। बोले नवग्रह बनाए नहीं, ये तोता कहाँ है, यहाँ पर केले का पेड़ कहाँ है, ये तो बुझ नहीं, जिससे कथा से इसकी कोई मतलब नहीं, जिसको केवल दोस्त देखने वाले, इसको लेकर श्रोता। और जो श्रोता है, जो वास्तव रूप में कथा की जो सार को जीवन में आचरण करे, इसलिए एक मक्खी और एक मधुमक्खी। इसलिए मक्खी नहीं, हमें मधुमक्खी बननी चाहिए। तीसरे नंबर है मछली। मछली को देखिएगा, उसका आंखों का जो पलक है ना, कभी नहीं झपकती है, एकदम नेत्र खुली हुई रहती है। जैसे खीर समुद्र में अपलक नयन को द्वारा मछली दूध पान करती रहती है, हम भी कथा आंख बंद करके नहीं सुननी चाहिए, आंख खोल करके टकटक लगा कर कथा सुननी चाहिए, ठीक है ना। चौथा नंबर है चातक। ये एक चिड़िया, इसका एक स्वभाव है, किसी नदी का नहीं तो किसी तालाब का पानी कभी नहीं पिएगा, वो पिएगा स्वाधी नक्षत्र का पानी जो बरसात हो। इसलिए हर समय वो बोलता है प्यासा हम, मैं प्यासी हूँ, मैं प्यासी हूँ। अगर एक समय गंगा किनारा में कोई वृक्ष था, उसको ऊपर में एक चातक चिड़िया बैठा था, एक बहेलिया ने उसको बाण मारी, वो मारते ही गिरा तो यमुना गंगा नदी में, लेकिन मुंह को फंस कर दिया। बोले क्यों, वो कभी भी स्वाधी नक्षत्र का पानी छोड़कर कोई पानी नहीं पीता था। हमें कथा कैसे सुननी चाहिए, एक अनिष्ट प्रभु की हो करके भगवान की पान करेंगे तो ठाकुर की कथा पान करेंगे, ऐसे नहीं बोटू बेटी बहुओं की चौगुली सासनाथ की चुगली बैठ कर करना सुंदर को, इधर उधर बात नहीं सुननी चाहिए, सुननी चाहिए ठाकुर जी की कथाएं सुननी चाहिए। बोले चार तरह के घटिया श्रोता। बोले पहला नंबर है भुरुक। ये एक चिड़िया रहता है, ये हिमालय पर्वत ऊपर रहता है, इसको आप जैसे सुनाओ वो ठीक आपको वैसे सुना देगा, लेकिन जीवन में एक अक्षर भी वो उतारेगा नहीं, सुनेगा सुन भी लेगा लेकिन जीवन में कभी कोई चीज को उतारते नहीं। इतना दिन से कथा सुनेंगे 7 दिन तक, लेकिन जीवन में मतलब पल्लू झाड़ करके यहाँ से चले जाते हैं, यही कथा रहे आप फिर अब भी जा रहे नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। दूसरा नंबर ऊट। ऊट को देखे होंगे, उसको कोई कोमल कोई आम के पता तो नहीं खाएगा, और ढुंड का कांटा के वृक्ष कहाँ पर है, मतलब भगवान की जो प्यारी प्यारी कथा नहीं सुनेगा, जिसमें लड़ाई झगड़ा बात ना वहीं पर उसकी अच्छी लगती है, और वहीं पर बैठे करके दुनियादारी की जो बात सुनते हैं, वो ऊट है। तीसरा नंबर है बैल, बड़द, गैया। आप गैया को कोई सुंदर सुंदर फल दोने के भूसा दो, वो दोनों में कोई फर्क नहीं समझता, दोनों को बराबर मानता है, मतलब ठाकुर जी की कथा हो नहीं तो दुनियादारी की कथा हो। चौथा नंबर है भेड़िया, छोटा जाति का बाघ है, वो कब हिरण को ऊपर में आक्रमण करता है, जब हिरण कोई बड़ी सुंदर सुलभी शब्द सुनकर के मुग्ध हो जाता है, उसी समय पर उसको आक्रमण करेगा। मतलब क्या है, मतलब है ऐसे कुछ श्रोता लोग है जो खुद कथा बैठ करके सुनेंगे नहीं, जो पास में जो बैठ करके सुन रहे ना उनको भी सुनने नहीं देंगे, तो तेरे घर में क्या हुआ, तेरे सुना है उसको घर में कि सास वो की लड़ाई हो रही है, बिना कारण के कारण जो कथा सुनेगा नहीं दूसरों को भी सुनने देगा, यदि ये सबके सम्मान बोले भैया। चार तरह का कथा है, सात्विक राजसी तामसिक और निर्गुण।
राजसिक कथा किसको कहते हैं, पर जैसे कथा की बड़ी जोर से आयोजन किया, सब दुनिया को निमंत्रण दिया, आओ भागवत कथा होगी, लेकिन वो खुद कथा नहीं सुन रहे। दुनिया को तो बुलाया कथा सुनाने के लिए, खुद काम में इतने बिजी रहते हैं, असली जो कथा है वो कथा ही खुद नहीं सुनते। क्या इसको कहते राजसिक कथा है, बोले तामस की कथा, जैसे 7 दिन तक कथा होगी, कभी बीच में आएंगे, नहीं तो कथा जब विश्राम होने जाएगी तभी आएंगे, नहीं तो बैठ करके मन नहीं लगेगा, एक चक्कर घूम करके आ जाएंगे। किसी तरह से 7 दिन जो बीता रहना चाहिए तामस की कथा ही कथा नहीं है। और एक होता है सात्विक कथा, जैसे 1 महीना 2 महीना तो सुनेंगे, लेकिन उसको बाद में कथा में कोई मतलब नहीं, लेकिन वास्तव कथा किया है। बोले निर्गुण, बोले निर्गुण कथा किसको कहते हैं, बोले सदा सत्यम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरि सीता समाश्रय। बोले जिसने कथा कोई अपना जीवन बना ले, क्या करते कथा कोई अपना जो जीवन बना दे, मतलब है नियम करके रोज बोल रहे थे ना भागवत का 1 श्लोक हो, नहीं तो आदि श्लोक हो, नहीं तो 1/4 श्लोक किसी घर में पाठ होती है, या तो उसकी घर में स्वयं वाक्य बिहारी राधा रानी को साथ में निवास करते हैं, राधा रानी को साथ में उसकी घर में निवास करते हैं। इतने महत्व है भागवत श्लोक की, ध्यान देकर सुनो। हमारे जो बड़े गुरु जी थे, इनको किसने कहा, बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते हैं। क्या नहीं सुनते हैं, ये घर घर की कहानी, बच्चे बात नहीं सुनते हैं। तो गुरु जी क्या बोले, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बोले नहीं, बोले बच्चों को रामायण पढ़ाया, बोले नहीं, बोले जो स्वयं रामायण पढ़ेगा नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा तो बच्चा बात कैसे सुनेगा। कहां पर बताया गया पिता माता की बात सुननी चाहिए, कहां पर बताया पिता माता की सेवा करनी चाहिए, रामायण। कहते प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता। ठाकुर सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे, अपना पिता माता के चरण छूते थे। रामायण देखे, कौन कौन रामायण देखे, सब देखे हो। जब दशरथ महाराज शयन किए हुए भगवान कहा राम पिताजी के चरण की सेवा कर रहे थे ना, ये रामायण से क्या कहता है, भगवान कितने साल के लिए वनवास गए थे, जोर से बोलो 14 साल के लिए, किसके, पिताजी मना कर रहे थे बेटा मत जा, विमाता की आदेश पालन करने के लिए कौशल्या की नहीं, और कई कई की क्योंकि रघु के लिए रखा सदा चली आई, प्राण जाए करो बचन ना जाए, इसलिए गुरु जी कहते थे भगवान 14 साल के लिए वनवास गए थे ना पिताजी की सेवा के लिए। आप अपना बेटे को बोलो बेटा 14 दिन के लिए मेरी सेवा के लिए कहीं चले जाओ, जाएगा बेटा तुम्हारे, और 14 दिन के लिए हनीमून बनाने जा सकता है, लेकिन पिताजी की सेवा के लिए नहीं जाएगा। गुरु जी कहते थे, कहते थे कारण है हम बच्चे को रामायण नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन क्या पढ़ाते हैं, तो स्मार्टफोन ले 20-30 हजार रुपया की पबजी देख, कार्टून देख, दिन भर फिल्म देख, ये सब चीज बच्चों को धरवाते हैं। गुरु जी कहते थे भैया, इसलिए भगवान का राम राज्य का नाम अयोध्या, क्या नाम है, अयोध्या मतलब जहाँ युद्ध नहीं होता है। गुरु जी कहते थे जिस घर में रामायण रोज पढ़ी पढ़ाई होगी, बच्चे को अगर रामायण पढ़ाओगे तुम्हारी घर अयोध्या बन जाएगा, क्या बन जाएगी, अयोध्या बन जाएगी तुम्हारी घर, जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होगा। गुरु जी कहते थे ये बात को अवध, जहाँ पर कोई मरते नहीं, इसलिए क्या करो बच्चों को रामायण सिख पढ़ाओ, गीता का कोई श्लोक पढ़ाओ, ठीक है, और घर में नियम बनाओ, क्या नियम बनाओ, जब तक एक माला कोई जप नहीं करेगा ना, भगवान की एक माला कोई जप नहीं करे उसको भोजन नहीं दिया जाएगा, घर में ये नियम बनाओ। बच्चे बच्चों को बोले जब तक इनके माला नहीं करे खाना नहीं देंगे, आप बोलोगे बच्चे बात नहीं सुनेंगे, देखो ध्यान देकर सुनो,
अगर बच्चे को 7 बजे स्कूल जाना है, आप कितने बजे बच्चे को उठाते हो? 6 बजे, 5 बजे उठाओगे, स्नान कराओगे, भोजन दोगे, तब जाकर के बच्चे को जाकर के भेज दो। वही बच्चा कहाँ बिगड़ता है? घर में ना, स्कूल कॉलेज में बिगड़ता है, वो सब स्कूल कॉलेज में जाकर बिगड़ता है। घर में कोई पिता माता बच्चे को कभी गलत उपदेश नहीं देते हैं, सिगरेट फूटना, दारू पीना कहाँ सीखता है जाकर के, सब बाहर जाकर के बिगड़ता है। भैया जो बिगड़ने के लिए तुम इतने उसको भेज रहे हो, तो संभालने के लिए क्या तुम बोल नहीं सकते बेटा एक माला कर, रामायण के तो चौपाई पढ़ करके जा। ये हमारे अंदर में बड़ी कमी चीज है, हिंदुओं के अंदर में ना इतने कमी जो सोच नहीं सकते। जैसे हम दिल्ली में जाते हैं ना, शुक्रवार का दिन मुसलमान लोग अपना छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके मेन रोड जाम कर देते हैं, करते कि नहीं बोलो? इसलिए उनकी धर्म के प्रति कितने अटूट विश्वास है, क्योंकि बचपन से उनकी संस्कार दी जाती है। हमारे भारत में कुछ भी नहीं, बहुत पिता माता बोलता है बेटे पिता के श्लोक पर एक रामायण की दो चौपाई पर, कौन पिता माता यहाँ बोलता है? कोई बोलते हो? कोई नहीं बोलते हैं। इसलिए हमारे धर्म धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और उनके धर्म बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहे हैं और हमारे धर्म खत्म होते जा रहे हैं। मैंने के 10 साल के एक बच्चे को बोला, बोले तेरे को कुरान आता है? वो झटाकर बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितने उम्र में कुरान पढ़ाया बच्चे को, मुसलमान क्या कहता है? 10 साल का बच्चा कहते हमारी मुसलमान धर्म में कंपलसरी जब बच्चे को 2 साल हो जाए ना, उसको कुरान पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे ए बी सी डी हम पढ़ाते हैं ना, और उनको भी ऐसे जरूर कंपलसरी बचाओ। यहाँ पर जितने माता है और जितने भाई लोग बैठे हो, कौन पिता माता बच्चे को बोले गीता का 2 श्लोक पढ़े हरे कृष्ण नाम कर, कौन बोलता है? कोई नहीं बोलते हो, तभी तो हमारे धर्म नीचे जा रहा है ना। भैया अगर जाते हो अपना बच्चे को संस्कारी बनाने के लिए, अपना बच्चे को संस्कारी कौन बनाना चाहता है बोलो? हाथ उठाओ, कौन कौन पिता माता से हाथ उठाओ, कौन चाहते हैं बच्चे हमारे राम जैसे बने, बहु सीता जैसे बने और नाती पोती लंकुश जैसे बने, कौन चाहता है? हाथ उठाओ सबके, सब सब चाहते हो। देखो आपको मैं एक उपाय बताता हूँ कैसे बनाऊं। अभी प्रभु जो कथा सुना रहे थे, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये आटम कंपनी में 1,00,000 रुपया की नौकरी करता था, ये सब छोड़ करके ये भक्ति में ज्वाइन किया, इसीलिए जगत में जीव को कल्याण करने के लिए। हम चाहते हैं तुम्हारे जितने बच्चे हैं उनको आधा घंटा के लिए 3-4 दिन आप बुला, आप बच्चों को कौन सा, एकदम बच्चे नहीं, जो 10 साल 15 20 साल 21 साल जो बच्चे हैं इनको, ये बच्चा अलग क्लास, जैसे हमारी क्लास खत्म हो जाएगी ना, अपना बच्चों को केवल आधा घंटा के लिए बुलाओ, केवल 4-5 दिन बुलाओ, देखना ये बच्चा उनको बड़ी अच्छी अच्छी क्लास देगा। सर्च फॉर हैप्पीनेस, डजगट एग्जिस्ट, हुआ आई, ये सब विषय पर बड़ी अच्छी अच्छी की क्लास देगा, देखना तुम्हारे बच्चों को राम जैसे बना देगा, राम जैसे बना देगा, लक्ष जैसे बना देगा, ठीक है? कौन चाहते हो? आप लोग कोशिश करना, हम आपस में बात करेंगे, लास्ट जो 4-5 दिन होगा ना, वो 4-5 दिन में वो बच्चों को हम उसी विषय पर कैसे अपना संस्कृति को, अपना सनातन धर्म को कैसे पढ़े हैं, सनातन धर्म कैसे पढ़े, आप इसी विषय पर बच्चों को अच्छी अच्छी बात बताइए, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ भैया बढ़िया बच्चे।